एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। रसना जपती तू ही रसना जपती
तुम्हें खजीना, तुम्हें गरीना, तुम ही मालिक लाला। तुम ही मालिक लाला। तुम ही शरण प्रभु आए
शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए। हम फूल बिगाड़े दिन से रात हर लाज रखाए, लाज रखाए, हर लाज रखाए, लाज रखाए। हम फूल बिगाड़े दिन से रात हर लाज रखाए, लाज रखाए, हर लाज रखाए, लाज रखाए। हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए। जो भावे त्यो राख ले, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए। पिता है दे मत समझाए, दे मत समझाए, दे मत समझाए, दे मत समझाए। हम बारिक तू गुरु पिता है, दे मत समझाए, मत समझाए, दे मत समझाए, दे मत समझाए। हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए। जो भावे त्यो राख ले, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए। जन नानक दास हर काढ़िया, हर पैज रखाए, पैज रखाए, हर पैज रखाए, पैज रखाए। जन नानक दास हर काढ़िया, हर पैज रखाए, पैज रखाए, हर पैज रखाए, पैज रखाए। हम शरण प्रभु आए,
शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, तो सोना नाथ अनाथ नमो सर, तो सोना दानी नमो सुम भिखारी, मो सोना दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञानी न तो सो बिचारी, मोसो न पतित न पावन तो सर, मोसो विकारी न तो सो उपकारी, मेरे हैं अवगुण, मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी, शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, गीता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेरे उपावो, डूब दे पत्थर तारे, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, भगत वशल सुन हो तुहू निराश्री दे, भगत वशल सुन हो तुहू निराश्री दे, पतत पावन सुन आशा पुरतार हो, अंतर जामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन के दयाल सुन भय भरम तार हो, जलधर संगम के अफुल सेबल द्रम, चंदन सुगंध सनबंध मलगार हो, अपनी करनी कर, अपनी करनी कर, नरक हूं ना पामो थोर, तुमरो बिरद को आशरो समार हो, शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, हम शरण प्रभु आए, शरण प्रभु आए, रामदास महाराज जी दी पवित्र बाणी, आख्या ज्यों भावे त्यों राख लै, असी मंदे हां चंगे हां तेरे हां, ते तेरियां दी तैनू लाज, हे गरीब निवाज सिर ते हाथ रखो, सुमत बख्शो, सिद्धे रस्ते पाओ, सर्व भुला माफ करो, क्योंकि असी तेरी शरण आए हां, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल हो, तेरी शरण विच जो भी कोई आउंदा है निर्मल हो जांदा है, जिवें नदियां नालियां दा गंदा जल भी जेड़ा गंगा विच पैंदा है वो भी गंगा दा रूप हो जांदा है, हे निरंकार, हे वाहिगुरु, कृपा कर
असी तेरे राह ते तुरन जोगे हो पई, क्योंकि जेड़ा जल गड़िया विच पै जावे उस जल विच तां कीड़े पै जांदे हन, बूर आ जांदा, मुश्क मारन लग जांदा। जिथे प्यास बुझाउनी सी उथे लोकी मुंह अगे कपड़ा करके लंघदे हन, क्योंकि तेरे नाल विछड़ गया। साडी भी यही हालत है, जिवें कबीर जी कहंदे हन कि हे निरंकार, हुण इस देही विच रहण नूं जी नहीं करदा, क्योंकि मैं पंजां दे अधीन हो गया। बाबा अब न बसो ए गांव, इस गांव विच हुण वसन नूं जी नहीं करदा, क्योंकि मैनूं पता लग्या है कि घरी घरी का लेखा मांगे। ओ धर्मराज ने एक एक श्वास दा लेखा मंगना है, ते मैं कित्थों हिसाब पूरा करांगा, क्योंकि देही गावा जीव धर मैं तो बसे पंच किरसाना, नैनू नकटू सरवनो रसपत इंद्री कहा ना माना। मैं इना पंजां दे अधीन होके अपना सारा जीवन व्यर्थ गुआ लिया, कृपा करो बाबा जी दे पास। बाबा नंद सिंह जी महाराज जी दे पास एक साधु आया, जिथे बचना दी विचार होई उथे ओ कहन लगा, जी साड़ी भी कदे सुंदर स्त्री होंदी सी, बड़े सुंदर वस्त्र पहनते सी, बड़ा सुंदर घर सी, बड़े कार विहार सन, पर असी सब कुछ त्याग के हुण प्रभु दे रस्ते ही लग गए। ते धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहन लगे, मां पुरखो तुसी अजे त्याग नहीं कीता, बाहर मुखी तां त्याग कर लिया स्त्री दा, कार विहारां दा, महल माड़ियां दा, पर तुहाडे हिरदे विचों अजे नहीं निकलियां, तुहाडे मन विच तां वस रिहा ना भाई, साडी भी घरवाली होंदी सी, महल माड़ियां होंदियां सी, चंगे कार विहार होंदे सी। ते जे सही रस्ते गुरु नानक दे रस्ते ते तुरना है, तां फिर इस मोह माया दा त्याग करना पवेगा, चित विचों ए बलावां कढ के एक निरंकार दे मिलाप दा शौक रखो इस हिरदे में, क्योंकि बाबा जी दे पास बड़े बड़े महापुरख संत महात्मा अपने अभ्यास लई बेनती करदे सन, भाई असी किवें प्राप्ति होवे, तां महापुरखां ने सच दा रस्ता दस देना, क्योंकि महापुरख दा कम है सच दा रस्ता दसना। भाई साहब भाई घनैया जी होए हन, जिन्हां ने कलगीधर पातशाह जी दियां रहमतां बख्शिशां पाईयां, वरदान पाए भाई घनैया, तू सम दृष्टि है, तू हर एक विच परमेश्वर दा जोत समझ के एदे घमसान दे युद्ध विच, धर्म युद्ध विच तू दुश्मनां नूं वी ते मित्रां नूं वी जल छकाया, तेरी नजर विच हुण कोई दूआ नहीं रहा, जा तेरी संपर्कता चलेगी, तेरी संपर्कता विच ऐसे ऐसे महापुरख आउणगे जिहड़े टुटियां होईयां रूहां नूं गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़नगे। भाई साहब घनैया जी दे पास एक प्रेमी आया, महाराज मेरा मन नहीं जुड़दा, बड़ा जतन करदा हां, फिर चित माया विच पहुंच जांदा, बड़े जतन कीते हन, पर भूलियो मन माया उलझायो, ये मन माया च ही उलझाया, कदे जड़ विच ते कदे चेतन विच, जड़ तो भाव है दुनिया दे पदार्थ, चेतन तो भाव है स्त्री, ते महापुरख भाई साहब भाई घनैया जी सम दृष्टि उस प्रेमी नूं गृहस्थी नूं कहन लगे, भाई प्यारिया जे तू उस सच दे राह ते सही मैनिया विच चलना चाहुंदा है, तां घर दा मोह और प्रीत नूं त्याग दे, क्योंकि घर दा मोह और प्रीत जेड़ी है ना, ये रब दे मिलाप विच एक रुकावट है। तू कदे सोचिया भाई धीआं पुत्र इस्त्री रिश्तेदार ये सारे ठग बन के तेरे शुभ कर्मां नूं सारी चबी जांदे हन, कितने जतना करके तू सोना चांदी इकट्ठा करदा है, पर अपने अपने शरीर ते जदों सजाउंदे हन ना तेरे घर वाले, तो तैनू बड़ा चंगा लगदा,
पहला तन तेरा वो ठग जाते हैं, दूजा तन है बिंद जिस इस ब्रह्मा आनंद दा ताकत ब्रह्म आनंद विच माननी सी ना जेड़ी नाम जप के सेवा सिमरन करके ओ तो ताकत बिंद विच वरत देना है, इस्त्री दे प्यार विच वरत देना है, काम वश होके वरत देना है, ये ओ भी तैनू ठग जांदी है क्योंकि काम दे वश विच आके किड़ा ताकतवर हाथी होंदा है ते की हाल कर लैंदा है अपना, ते एक मोह माया विच फसिया होया इंसान भी इसे तरह ही है। आ महावत जो हाथी नू फसाउंदा है ना, एक वड्डा खूह खट लैंदा है, उदे उते कपड़ा विछा के एक काले रंग दी हथनी बना के उते खलार देंदा, ते हाथी जदों काम वश होया होया आउंदा है ना हथनी दे कोल, ते उस टोए विच पै जांदा है, उस खूह विच पै जांदा है। कितना ताकतवर है पर निकल नहीं सकदा, इस संसार दी खाई भी ऐसी है। इसे लिए महाराज कहते ना, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार, इस अन्ने खूह विचू मैनू कढ लै क्योंकि तेरे बिना होर कोई नहीं कढ सकदा। आए अनक जन्म परम सरणी, उधर देह अंधकूप ते लावो अपनी चरणी। गुरु अर्जुन देव महाराज कहते हैं कि इस अन्ने खूह विचों सानू कढ लै हे निरंकार ते अपने चरणा नाल ला। आ हाथी कितना ताकतवर है, काम वश होके काल भूत की हंसनी मन बौरा रे, हथनी मन बौरा। बस कई दिन भुखिया रखदा है इनू महावत, ते भुख दे नाल बेहोश हो जांदा है। जेले वेखदा है दे विच सा सत्या नहीं गई तां उहदे सिर विच किला गड देंदा है, ते फिर आप उदे उपर बैंदा है बाहर कढ के, ते किले दे उपर बदान मारदा है, सारी उम्र उनू अपना गुलाम कर लैंदा है, जिधर तोरे उधर तुरना, जे बठावे तां बैठना। इसे तरह इंसान भी है, प्रभु पीती नू त्याग के ए झूठियां प्रीतां कर बैंदा है, ते फिर किवें हुक्म विच भज्जिया तुरदा है। इसलिए भाई साहब कन्हैया जी उस गृहस्थी नू कहण लगे, भई ये दूजा तन है ताकत, ताकत दे नाल ब्रह्म आनंद तो मानना सी नाम जप के सेवा करके, पर सारी दी सारी ताकत तो औरत ते खर्च कर देना है। उच्चारण करो श्री। तीसरा तन है आरजा उम्र, ये आरजा भी तू पालन पोषण ते बाल बच्चियां दे खवान पिवान विच पहनान विच सारी बर्बाद कर देना। चौथा तन है चित बिरती, चित बिरती तेरी पदार्थां विच लगी हुई है, किवें वल छल करके धन इकट्ठा करके घर दिआउणा है। पंजवां तन है मनुष्या जन्म, अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने दिते सन, उन्हां श्वासां नूं जप जप के सफल करना सी, तेरे हीरे लालां तों महंगे श्वास सन, जे तू नाम दे लाला दे वणज कर लैंदो तेरा जीवन सफल हो जाता। जे इना भाई इस मोह माया तो दूर होवेगा ता तेरा जरूर छुटकारा होवेगा, तेरा मनुष्या जन्म जरूर सफल हो जाएगा। इना ठगा तो बचन लई महापुरखां दी सत संगत नितनेम करना, अमृत वेले जाग के अपने मालक नूं त्याउणा, एक सब तो वड्डा कर्म होवे तेरा, ते फिर क्यों ना निरंकार तेरी बांह पकड़ेगा। बस यही अरदास कर रहे हैं गुरु रामदास महाराज कि हे निरंकार, हम भूल बिगाड़े दिन रात, दिन ते रात असी लगातार भुलां कीती जांदे हां, हर लाज रखाए साडी लाज रखी क्योंकि असी तेरी शरण विच हां, इसलिए तू साडी लाज रखनी है। तेरा साडा रिश्ता जिहड़ा है ना वह बारक और पिता दा है, जो कुछ पिता दा हुंदा है वह बारक दा हुंदा है, जो कुछ बारक दा पुत्र दा है वह पिता दा है। इसलिए सानू सुमत बख्श,
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਓ ਰੱਖ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਛਾ ਜਨਮ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀ ਆਉਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣੀ ਏ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲੱਕੜ ਹਾਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਜਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਆਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਲੋਹਾਰ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਜਿਉਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਆਹ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ, ਇਤਨਾ ਬਾਗ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਖੇ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੂਟਾ? ਆਖੇ, ਆ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਜਿਤਨਾ ਤੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਤਨੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਛਾੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਗ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਚੰਦਨ ਰੂਪੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਪਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਲੇਲੇ ਘੜ ਕੇ ਨਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ, ਗੁਲੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਉਡਾਉਣੇ। ਗੁਲੇਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਨ। ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਗੁਲੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਜੋਰੀ ਅੱਖ ਪਛਾਣ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਲੇਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੋਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ, ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਅਸੀਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਓ ਰਾਖ ਲੈ। ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਣੋ ਮੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਨਾ,
शीश झुका के गुरु जी को अपने मन में बसाना, अपने मन में बसाना, अपने मन में बसाना। दिया गुरु ने उसका तू फिर करना शुक्राना, दिया गुरु ने उसका तू फिर करना शुक्राना, 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 शुक्राना। हर वेले हर शुक्राना गुरादा, तो हर वेले हर शुक्राना, तो हर वेले हर शुक्राना गुरादा, तो हर वेले हर शुक्राना।
दुनिया ने था मुझको ठुकराया, था मुझको ठुकराया, वो भी समा था जब दुनिया ने था मुझको ठुकराया, था मुझको ठुकराया। शरण में आया गुरु मनाया, जगत ने भी अपनाया, जगत ने भी अपनाया, जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा जी सदा।
सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। शिवजी सदा जय गुरु जी की।